ओमरॉन कंपनी का पीएनपी टाइप फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर है। इस फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर का इस्तेमाल करके हम एक रिले को किस तरीके से ऑन और ऑफ कर सकते हैं। जैसे ही सेंसर के आगे किसी ऑब्जेक्ट को करेंगे तो रिले हमारी ऑन हो जाएगी, और जैसे ही हम सेंसर को ऑब्जेक्ट से अप करेंगे या डाउन करेंगे तो रिले हमारी ऑफ हो जाएगी। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर के कनेक्शन हम किस तरीके से करते हैं वो भी रिले के साथ आज की वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ सीखने वाले हैं। तो हमारे पास एक पीएनपी टाइप फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर है और सेंसर की चार वायरें हैं, ब्राउन वायर, ब्लू वायर, ब्लैक वायर, पिंक वायर। सेंसर की जो ब्राउन वायर है इसके ऊपर हम पॉजिटिव सप्लाई प्रोवाइड करेंगे और सेंसर की जो ब्लू वायर है इसके ऊपर हम नेगेटिव सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। सेंसर की जो ब्लैक वायर है इससे हमें आउटपुट सिग्नल मिलेगा। सेंसर की जो पिंक वायर है उससे हम फीडबैक सिग्नल लेंगे। सेंसर को ऑन करने के लिए हम एक पावर सप्लाई का इस्तेमाल करेंगे। पावर सप्लाई के इनपुट साइड पर हम 220 वोल्ट एसी सप्लाई प्रोवाइड करेंगे और पावर सप्लाई के आउटपुट पॉइंट से हमें 24 वोल्ट डीसी सप्लाई मिलेगी पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट के साथ। फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर की जो ब्राउन वायर है उसको कनेक्ट करेंगे पावर सप्लाई के पॉजिटिव पॉइंट के साथ, और इसी तरह फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर की जो ब्लू वायर है उसको कनेक्ट करेंगे पावर सप्लाई के नेगेटिव पॉइंट के साथ। तो इस तरीके से हमारा फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर ऑन हो जाएगा। हमारे पास एक 24 वोल्ट डीसी रिले है। इस फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर का इस्तेमाल करके हमने इस रिले को ऑन और ऑफ करना है। फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर की जो ब्लैक वायर है उसके साथ हम एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को 24 वोल्ट डीसी रिले के जो क्वाइल के पॉइंट है 13 नंबर और 14 नंबर, 13 नंबर के साथ हम ब्लैक वायर को कनेक्ट कर देंगे और पावर सप्लाई के नेगेटिव पॉइंट के साथ हम एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को हम 24 वोल्ट डीसी रिले के 14 नंबर पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे रिले के कनेक्शन फोटो सेल सेंसर के साथ मुकम्मल हो चुके हैं। तो जैसे ही हम फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर को किसी ऑब्जेक्ट के सामने करते हैं तो हमारी रिले ऑन हो जाती है। जितनी देर सेंसर ऑब्जेक्ट के सामने रहता है उतनी देर तक रिले हमारी ऑन रहती है। जैसे ही हम सेंसर को ऑब्जेक्ट से अप करते हैं तो रिले हमारी ऑफ हो जाती है, और दोबारा से हम फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर को किसी ऑब्जेक्ट के सामने करते हैं तो रिले हमारी ऑन हो जाती है। जितनी देर तक सेंसर ऑब्जेक्ट के सामने रहेगा उतनी देर तक रिले हमारी ऑन रहेगी। जैसे ही हम सेंसर को ऑब्जेक्ट से अप करेंगे तो हमारी रिले ऑफ हो जाएगी। तो इस तरीके से हम फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर का इस्तेमाल करके एक 24 वोल्ट डीसी रिले को ऑन और ऑफ करते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके लाजमी बताइए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक मियाँ इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन को प्रेस लाजमी कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। अगर दोस्तों आपके पास एक एनपीएन टाइप सेंसर है जो आपको नेगेटिव सिग्नल प्रोवाइड करता है और आपके सर्किट के अंदर पॉजिटिव सिग्नल की रिक्वायरमेंट है, तो आप एनपीएन सेंसर को पीएनपी सेंसर में किस तरीके से तब्दील करते हैं उसके ऊपर मैंने एक मुकम्मल डिटेल के साथ वीडियो बनाई है। उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। तो आप दोस्तों ने इस वीडियो को लास्ट में ही देखना है।